किसानों को केसीसी का लाभ देने के लिए आज नौडीहा प्रखंड में लगाया गया कैंप। अधिक से अधिक किसानों को केसीसी का लाभ देने के लिए आज नौडीहा प्रखंड में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान छतरपुर एसडीओ नरेंद्र गुप्ता, विधायिका पुष्पा देवी व पूर्व सांसद मनोज कुमार भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कैंप के दौरान काफी संख्या में किसान पहुंचे और किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन दिया। मालूम हो कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को केसीसी से आच्छादित किया जाएगा। प्रखंडवार शिविर लगाने हेतु तिथि का निर्धारण किया जा चुका है। 24 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2020 तक लगाए जाने वाले शिविर में लाभुकों को केसीसी से आच्छादित किया जाएगा। उपायुक्त ने प्रखंडवार कैंप लगाने हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया है। बताते चले कि 18 नवंबर 2020 को आयोजित आत्मनिर्भर भारत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में जिले की केसीसी स्वीकृति वितरण की स्थिति अत्यंत ही निराशाजनक पाई गई थी। पलामू जिले में लगभग 1,44,964 सम्मान निधि लाभुकों की संख्या है, जिसके विरोध में केसीसी हेतु मात्र 14,659 आवेदन बैंकों को ही प्रेषित किया गया है। इसको देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन ने प्रखंडवार कैंप लगाकर लाभुकों को केसीसी से आच्छादित करने का निर्देश जारी किया है। आगामी 27 नवंबर को छतरपुर में भी ये कैंप लगेगा। पलामू से मिलते रहे हैं कि केसीसी लोन स्वीकृत कराने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई कर्मचारी से भेंट होता है तो सीआई से भेंट नहीं होता है, सीआई से भेंट होता है तो सीओ साहब से भेंट नहीं होता है, तो बैंक के पदाधिकारी भी उसमें तरह तरह के कागजी प्रक्रिया में अपनी असमर्थता बताते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य था कि एक जगह एक छत के नीचे सारे इस ऋण स्वीकृति से संबंधित लोग अगर रहते हैं तो यहाँ के किसानों को असुविधा कम होगी, उनका लोन स्वीकृत कराने में सुविधा होगी। इसी सोच के तहत यहाँ हम लोग इसका आयोजन कराया गया है। इसके पूर्व में भी हम लोग कुछ दिन पहले एक यहाँ इसी प्रकार का शिविर का आयोजन कराया गया था। सीओ साहब के द्वारा जो उसका कंप्लेंस दिया गया बहुत ही उत्साहवर्धक रहा और हम चाहते हैं कि इसका जो आयोजन होता है इसका फायदा लोगों को लेना चाहिए। अभी जैसे सीओ साहब कहे, कल हम लोग उपायुक्त पलामू से भी मिले थे, परसों शाम में एक चिट्ठी जारी किया गया धान क्रय केंद्र खोलने के संबंध में। पूरे पलामू में 13 जगह धान क्रय केंद्र खोलने का उसमें जो सूची था उसमें नाम था, हमारे यहाँ छतरपुर और पाटन में था। लेकिन देखे कि नौडीहा बाजार भी मेरा इलाका है जहाँ धान की सबसे अधिक खेती होती है और इस साल भगवान के कृपा से ऊपर। R9 भारत के लिए निरंजन सिन्हा की रिपोर्ट, छतरपुर पलामू। पश्चिम बंगाल के मानिक कचक घाट में LCT पर लादे ट्रक गंगा में समा गए। पश्चिम बंगाल के मानिक कचक घाट में LCT पर लदे 8 ट्रक गंगा में समा गए। पश्चिम बंगाल के मानिक कचक घाट के पास ये हादसा हुआ। LCT राजमहल से पत्थर लेकर बंगाल जा रहा था। राजमहल मानिक कचक तक चलने वाली पानी जहाज सोमवार शाम मानिक कचक घाट में लोडिंग के दौरान पलट गयी, जिसमे कई व्यक्ति सहित कई गाड़ियाँ भी पानी के अंदर चली गयी। जानकारी के मुताबिक 8 गाड़ियां एक तरफा लोडिंग होने के कारण जहाज पलटी हो गई, जिसमें ड्राइवर व खलासी भी पानी के चपेट में आ गए। R9 भारत के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, झारखंड साहिबगंज।